आपका फिट इंडिया न्यूज पर आइए बताते हैं आपको आज की ताजा खबरें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे, 85 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के अस्पताल में 40 दिन से भर्ती थे। सहारनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई। सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि कोरोना से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए वह और उनका परिवार प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार है। गंगो उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार गैंगस्टर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गंगो कोतवाली प्रभारी भगवत सिंह के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट में वंचित चल रहे अपराधी इश्तियाक उप नक्कड़ निवासी गांव लखनौती को किया गिरफ्तार। अभियुक्त पर गोवध अधिनियम जैसी कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी समय से था फरार। पुलिस टीम में SI मदनपाल सिंह, SI सतीश कुमार, कांस्टेबल विक्रांत, अजय राहुल आदि मौजूद रहे। सम्राट मीरकुल हुन की जयंती के अवसर पर गुज्जर सद्भावना सभा मुजफ्फरनगर के तत्वाधान में जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के गुर्जर समाज के 101 गांव की ओर से 121 यूनिट दान किया गया। मुजफ्फरनगर के इतिहास में रक्तदान का यह एक नवीन कीर्तिमान है और पूरे प्रदेश स्तर पर यह कीर्तिमान तृतीय स्थान पर आता है। कार्यक्रम का उद्घाटन SP सिटी सत्यपाल अंतल व सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। वह कार्यक्रम का शुभारंभ थाना अध्यक्ष सिखेड़ा श्री वीरेंद्र कसाना ने रक्तदान करके किया। कार्यक्रम के समन्वयक राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी गुर्जर ने कहा कि गुर्जर जाति सदैव देश और समाज के लिए बलिदान के लिए तैयार रही है और देश के लिए इसी भावना को आज भी यह कार्यक्रम दर्शाता है। अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी से पायलट खेमे के विधायकों में आक्रोश। पायलट खेमे के विधायक हेमराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है उसको सुनकर दुख हुआ, क्योंकि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा करने का कार्य किया है और कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के समय इनको दरकिनार कर दिया गया। मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा हेमराम चौधरी ने। आज TV के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जो बयान सुने उसको सुन करके मुझे बड़ा आघात हुआ, प्रदेश की जनता को भी इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने राजस्थान के अंदर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी उसको वापस जीवित किया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद में उनको दरकिनार कर दिया गया और वो पिछले सरकार बनने से लेकर के अब तक सरकार में अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनकी थी और उनके बारे में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में परशुराम जी मदेरणा, CP जोशी और इस बार पायलट, इन तीनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस सत्ता में आई हमेशा, और सत्ता में आने के बाद में हमेशा इनको दरकिनार कर दिया जाता है और अशोक जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये इस तरह की हमेशा चाल करते हैं, इसलिए इस प्रकार की चालों से आप बाज आएं और किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से बाज आएं, क्योंकि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है ये